आनंद व्रजे न कन्हैया लाल की चंद्रम आनंदकंदुुदेवचंद्रम रूपेण पुरा जवी प्रवीश प्राप्त प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णा सततं नमामि ब्रह्माप्रिया जागरणाय जात र्वस्वता सिंधुता विज्ञानदाता निजर्म दीने कबंधो शरण प्रपदे दीने बध शरण श्री श्रीकृष्ण कन्हैया लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री नवतन पुरी धाम की जगदगुरु आचार्य श्री साठ कृष्ण मणिजी महाराज की समस्त सुंदर साथ की साण सुंदर साक्षी श्री लालदास कृत बीतक का प्रशिक्षण चल रहा है अट्ठारवा प्रकरण हम श्रवण कर रहे हैं जिसकी तेईसवीं चौपाई तक हमने कल इसका प्रसंग हमने श्रवण कर लिया तेईसवीं चौपाई में लालदास जी महाराज लिखते हैं ए तो सुक न सो कहे जीव कहे वासना धाम क्यों ये जीवता रहे या के पूरे मनोरथ का तो यह इसका भाव इसका अर्थ हमने कल श्रवण कर लिया था ये क्या प्रसंग है तो ये प्रसंग है कांजी भाई जो जूनागढ़ में हरिजी व्यास के सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं अंतिम समय में हरिजी व्यास अंतिम समय मतलब उनके परिवारों ने जब सोचा कि व्यास जी का यह समय अंतिम है अब इनका प्राणांत तो होने वाला है ऐसा सोच करके उन्हें भूमि में लिटा दिया गया जिसको स्थान चेंज करना नेपाली में ठाव सारणु बोलते हैं न तो अंतिम स्थिति में बेड बिस्तर से अलग करते हैं अभी तो ये परंपरा लगभग लगभग मुझे पता नहीं लगभग पूरी ही हो गई है प्राचीन समय में हम भी जानते थे दस बीस साल पूर्व तक ये करते थे अभी क्या करते हैं इतना पता नहीं है तो उनके परिवारजनों ने ऐसा सोचा कि अब इनका प्राण निकलने वाला है अंतिम स्थिति है तो उनको भूमि में लिटाया मतलब वो घर के आंगन में एक प्रत्येक हिंदुओं के घर में तुलसी का एक सुंदर मंदिर बना करके पूजा करते हैं देखिए तुलसी का मैंने कल भी बात की तुलसी का मंदिर बनाने का तात्पर्य धार्मिक दृष्टि अलग है उसका भाव अलग है धार्मिक दृष्टि में कहते हैं कि तुलसी साक्षात देवी है इसीलिए देवी की पूजा होनी चाहिए ये पुराणों में वर्णित बात है अब हम अभी के हिसाब से सोचें हमारे ऋषियों ने हमारे पूर्वजों ने हमारे आचार्यों ने जो भी नियम लगाया बड़ा बड़ा सोच समझ करके साइंटिफिक अभी के हिसाब से अभी की भाषा में कहें तो हरेक कार्य में हरेक पूजा में हरेक कर्म में लॉजिक है बिना अर्थ कुछ भी ऋषियों ने नियम नहीं लगाया जैसे तुलसी पूजा की बात है देखिए हम क्या करते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं और शरीर के अंदर से क्या निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो हमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है <coughs> तो ऋषियों ने ऐसा सोचा वैसे तो हरेक पेड़ पौधे वो उपयोगी है ही सभी औषधीय गुण से भरपूर है प्रचुर मात्रा में औषधीय गुण है कोई भी पेड़ कहो पौधा कहो लता कहो बेली कहो वृक्ष कहो औषधीय गुण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं सभी में औषधि है उनमें भी कुछ चुनिंदा कुछ विशेष वृक्ष ऐसे हैं कुछ बेलियां ऐसी है कुछ पौधे ऐसे हैं तो सर्वाधिक गुणयुक्त है प्रत्यक्ष रूप से गुणयुक्त है उसमें से एक पौधा तुलसी सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाली पौधा है तुलसी और पीपल बरगद नीम अर्जुन वृक्ष भी बोलते हैं तो ये सारे हैं भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करने वाले वृक्ष हैं इसलिए हमारे धर्म में देखिए तुलसी की पूजा होनी चाहिए पीपल की पूजा होनी चाहिए बरगद की पूजा करते हैं अशोक की पूजा करते हैं और घर के आसपास नीम भी लगाना चाहिए ये बोलते हैं तो ये पूजा करने का तात्पर्य क्या है जिस वृक्ष को हम पूजा करते हैं पूजा करने के लिए संरक्षण करना ज़रूरी है उसको नहीं काटना चाहिए उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए उसका संरक्षण होना चाहिए ताकि उससे अधिक से अधिक हम लाभान्वित बने ऑक्सीजन प्राप्त हो और हम स्वस्थ बने तंदुरुस्त बने ये भाव था ऋषियों का तो पहले क्या करते थे कि पुण्य और पाप की बात किया करते थे ये इसीलिए कि पहले के जनमानस को सीधा सीधा उस समय वही भाषा चलती थी पुण्य और पाप देखो ऐसा करो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा ऐसा करो तो तुम्हें पाप होगा तो मानस प्रजा उसी प्रकार की थी वही भाषा समझती थी अभी के हिसाब से कहें तो सीधा सीधा लाभ और हानि पुण्य मतलब लाभ पाप मतलब हानि अब तुलसी की पूजा करें पूजा करने के लिए संरक्षण करने की जरूरत है देखो वो ऐसे ही बिना भाव जा कर के घर के दूर कहीं है वहाँ जा कर के ऐसे पूजा कर दो ऊपर से छिटक करके आओ उससे लाभ होने वाला नहीं है फिर भी जहाँ पर है वहाँ से ऑक्सीजन तो मिलेगा पर्यावरण को उससे अच्छा लाभ होगा लेकिन पूजा करने का ये भाव है आप घर के नज़ीक मंदिर बना लो कैरी बना लो वहाँ पर तुलसी रोपण करो और जैसे घर से बाहर निकलो तुलसी के दर्शन होंगे आँख के लिए फायदा है स्पर्श करो त्वचा तो के लिए फायदा है शरीर के लिए फायदा है और वो संरक्षण करने का ये भाव था संरक्षण करने से क्या होगा घर के आसपास वातावरण शुद्ध होगा तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगा तो इसमें प्रश्न होता है कि फिर घर के आसपास पीपल और बरगद क्यों नहीं लगाना चाहिए तो बोलते हैं है ना ऐसा कहा है घर के आसपास पीपल नहीं होना चाहिए बरगद नहीं होना चाहिए तो लोग बोलते हैं कि इसमें भूत का वास होता है इसका मतलब क्या है ये समझने की बात है कितनी सरल बात है लेकिन उसको लोगों ने जटिल बना दिया तो कोई कोई को बता सकता है कि घर के आसपास पीपल और बरगद क्यों नहीं लगाना चाहिए नहीं तो हाँ ये सरल सीधी बात है देखो पीपल और बर के बरगद के जो पेड़ है बहुत विशाल होते हैं तो उसकी जो जड़ है कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं तो घर के आसपास आप लगाओगे तो घर ही घर ही तोड़ देगा ना इसलिए नहीं लगाना चाहिए दूसरा कुछ भी नहीं है थोड़ा दूर लगाए क्योंकि वो तो कई जगह में तो एक, -एक किलोमीटर की परिधि में फैले हुए वृक्ष होते हैं बरगद और पीपल के तो घर के आंगन में ये नहीं लगा सकते बढ़ लो बढ़ लो हाँ गुजराती ने बढ़ लो कहे बट तो झाड़ तो मोटा हो ना तो घर ना आंगन में ते लगाओ तो नीचे नीचे इना जड़ जाए तो पीछे फाटी जाए तो इसीलिए वो बरगद और पीपल ऐसे बड़े वृक्ष कोई भी हो घर के आसपास नहीं होना चाहिए लेकिन थोड़ा दूर लगाएं उसका संरक्षण करें तो दिन रात ऑक्सीजन देने का काम करेंगे तो भूत मतलब वही है नुकसान करेगा ना अब घर टूट गया अब पता ही नहीं है अंदर अंदर जैसे हमारे मंदिर के ये आंगन में कहाँ कहाँ से जड़ आ के वो पत्थर भी फाड़ देते हैं ऊपर आ जाता है तो अब ऐसे लोग बोलते कि तो भूत से भूत ने ऐसा काम किया ऐसा नहीं है तो यही है कि बर पीपल ये बहुत लाभान्वित करने वाले हैं और इसको बोलते हैं नेचुरल प्यूरिफायर भी बोलते हैं देखो ये पर्यावरण को इतना शुद्ध रखते हैं ये सारे तुलसी है पीपल है बरगद है अर्जुन है और नीम है और ये अशोक है बहुत फ़ायदाकारक तो ये वृक्ष हैं तो तुलसी भी यही है तो इसीलिए तुलसी गला में लगाना चाहिए देखिए तुलसी के डंठल में कीड़े नहीं लगते इसमें इस प्रकार का तत्व है जो कीड़ा भी उसको नुकसान नहीं करता तो इसलिए गले में लगाने से कोई बैक्टीरिया आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए गले में तुलसी धारण करने की बात है ये सब वैज्ञानिक बात है और इसको लोगों ने ऐसे ही अंधविश्वास है कह करके बिना जाने बिना समझे वैसे ही मूर्खता कर देते हैं बाकी सब फायदाकारक है हमारे धर्म में नदी की पूजा करने की बात है पहाड़ पर्वत को पूजा करने की बात है क्यों क्योंकि नदी स्वच्छ रखोगे पानी स्वच्छ मिलेगा पानी स्वच्छ मिलेगा तो जल ही जीवन है।, है ना जीवन के लिए पानी जरूरी है तो पूजा करोगे तो पानी स्वच्छ रखोगे ना लेकिन अब पूजा करने के नाम पे वहीं ज़्यादा गंदगी फैला देते हैं अनेक वस्तु तो वहीं डाल देते हैं ये पूजा नहीं है पूजा नाम की विधि से करनी चाहिए और उसको स्वच्छ रखना चाहिए अब पहाड़ पर्वत को पूजा करेंगे मतलब ग्रीनरी रखेंगे उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो एक एक बात है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है तो यहाँ पर हरिजी व्यास को भी घर के आंगन के तुलसी का जो मंदिर है वहाँ नजीक ले जा के गोबर से लिप करके फिर सुलाते थे तो गोबर से लिपने की बात मैंने कल भी कही इतने फायदाकारक है तो हमारे पहले पहले तो सब घर मिट्टी के घर होते थे तो घर प्रतिदिन गोबर से लिपते थे ना प्रतिदिन तुमने खबर छे हाँ तो ये माटी ना घर हो मिट्टी का घर वो सबसे फायदा कारक लेकिन अभी तो मिट्टी के घर देखने को नहीं मिलते आधुनिकता इतनी बढ़ गई तो लोगों को सुख सुविधा चाहिए लेकिन फायदा मिट्टी के घर में है प्रतिदिन गाय का गोबर से लिपा और चारों ओर वो लाल मिट्टी से वो किया हाँ चूल्हे में अलग कलर लगाया वो सब होता था ये अलग दृष्टि से ऋषियों ने ये नियम लगाया था तो हरिजी व्यास को भी ऐसा ही किया तो उस समय उन्होंने क्या बोला कि मैं इन खेत का नहीं हूँ इस स्थान का नहीं हूँ जो कार्य कर रहे हो क्या कर रहे थे गोदान कर रहे थे लक्ष्य क्या था कि यमपुरी जाएंगे यमपुरी भेजने के लिए यमद्वार भेजने के लिए मतलब बैतरणी नदी पार करके यमद्वार पहुँचा जाता है यम भवन पहुँचा जाता है तो वो बैतरणी पार करे इसके लिए गोदान कर रहे थे इसलिए उन्होंने कहा मैं यहाँ का नहीं हूँ और दो बात की दाज ले के जा रहा हूँ तो ये बात ये सुकन जैसे उन्होंने कहा कि मानो ये तो ब्रह्म सृष्टि ही है इस तरह से बात कर रहे हैं करके कांजी भाई ये सोच रहा है चलो अब आगे हम बढ़ते हैं कि वो किसी भी तरह से स्वस्थ रहे ऐसा उनका भाव था और इनका जो भी मन, इनकी इच्छा है मनोरथ है मैं पूर्ण करूंगा ऐसा कांजी भाई ने सोचा तो यह आगे चर्चा करते हैं यूँ करते कांजी ने यह बात श्रीजी आगे करी श्रीजिए ये, ये सुन के दिल बीच धरी तो उन्होंने ये पूरी हकीकत जो अभी चर्चा हुई ये पूरी हकीकत प्राणनाथ जी महाराज को बता दिया तो यह सुन श्री जी ये सुन के कांजी भाई से ये प्रसंग सुनकर के दिल विचरी अपने हृदय में धारण कर लिया कि अच्छा ठीक है उन्होंने ऐसी बात कही है तो उनसे मैं मिल के कुछ धर्म चर्चा अवश्य मैं करूंगा आध्यात्मिक चर्चा अवश्य मैं करूंगा। दिल धरी अपने हृदय पर ऐसा धारण किया क्या मैं धर्म चर्चा उनसे करने के लिए तैयार हूँ आध्यात्मिक चर्चा मैं अवश्य करूंगा। ऐसा उन्होंने हृदय में धारण कर लिया आगे कहते हैं जो जीवता ये रहता है कहूँ चर्चा के सुकन्ना सब सके भानो इनके तुम साख रहियो हो सही तो प्राणनाथ जी महाराज कांजी भाई को बोलते कांजी भाई ए जीवता रहते यदि ये जीवित यदि रहे ये जीवित यदि रहे तो कहूँ चर्चा के सुकन्ना मैं शास्त्रों की चर्चा शास्त्रों के वचन से इनके द्वारा चर्चा करने वाला हूँ सब सके भानो इनके इनकी जो भी आशंका है, है जो भी शंका है जो अज्ञान है मैं मिटा दूंगा यहाँ सब सके सभी शंकाए भानो मतलब मिटा दो इनके मतलब हरिजी व्यास की सब शंकाए मैं मिटा दू तुम साख रहियो हो सैयन साख मतलब साक्षी तुम साख रहियो सैय्यन हे सुंदर से ज्ञान सैयन मतलब कांजी भाई को संबोधन कर रहे हैं प्राणनाथ जी महाराज हे सुंदर साथ आप साक्षी रहना किस बात की साक्षी क्योंकि आपके समक्ष ये बात कही है ना कि मैं इन इंद्र का नहीं हूं इस ब्रह्मांड का नहीं हूं इस खेत का नहीं हूं ऐसा हरजी व्यास ने कहा यह साक्षी तुम देना जब हम चर्चा करेंगे ना उस समय तुम तो उपस्थित रहना और ये याद करवाना कि महाराज आपने क्या कहा था कि मैं इस इंद्र का नहीं हूँ इस भूमि का नहीं हूँ ऐसा आपने कहा था और जिसको मैं हाँ बोलता हूँ ना कहने वाला कोई नहीं है जिसको मैं ना बोलता हूँ उसको हाँ कहने वाला भी कोई नहीं है ये बात आपने कही थी ना तो ऐसा तुम साक्षी के रूप में रहना कहते हैं तुम साख रही हो सही ना, साक्षी के रूप में रहना फिर इसी बात को उठाया दूर होवे गुमान सेवा लगा कांजी करने होए इन्हें पहचान अब यह कहते हैं फेर इसी बात को उठाया यह बात को उठाना मतलब वो दिल में ले लेना कौन सी बात कि प्राणनाथ जी महाराज ने कहा उनको स्वस्थ करो स्वस्थ करने का प्रयत्न करो किसी भी तरह से वो जीवित रहे उन्हें किसी भी रूप में जीवित रखने का तुम प्रयत्न करो मैं धर्म चर्चा करूंगा ऐसा प्राणनाथ जी महाराज ने जब कहा था तो वही बात दिल में लेकर के वो सेवा का बिड़ा उठा लिया मैं किसी भी तरह से उन्हें सेवा करके अपनी ओर से भरपूर प्रयास करूंगा वो जीवित जिंदे रहें ताकि प्राणनाथ जी से उनकी मुलाकात हो और चर्चा हो ऐसा इस बात को उठाया दूर हो गुमान जिससे जिससे एक गुमान मतलब अहंकार अहंकार किसका हरिजी व्यास को यह अहंकार हुआ था ना कि जिसको मैं हाँ बोलता हूं कोई दूसरा ना बोलने वाला नहीं है तो ये मैं जिसको ना बोलता हूं उसको हाँ बोलने वाला नहीं है तो इस तरह से ये दो बात का जो जलन है दुख है वो तो मैं लेके जा रहा हूं ऐसा कहा था ना तो इस प्रकार का जो गुमान है अंदर का जो अभिमान है इस इनके अभिमान को समन करने वाला मिटाने वाला कोई नहीं है अब प्रारणा जी से किसी भी तरह से मैं मुलाकात करवा दूं और इनका जो मरते मरते अभिमान लेकर के क्या मरे इनका अभिमान शांत करके इनको ज्ञान प्रदान करके ये जाए ऐसी मेरी भावना है ऐसा सोच करके सेवा लगा कांजी करने खूब निष्ठा से सेवा करने लग गए क्यों इन्हें पहचाना क्यों मतलब किसी भी तरह से ऐसे इनको पहचान हो मतलब स्वयं की पहचान हो और इनकी जो इनका जो स्थान है यदि जीव सृष्टि होंगे तो बैकुंठ जाएंगे ईश्वरी सृष्टि होंगे तो अक्षरधाम जाएंगे परम यदि ब्रह्म सृष्टि होंगे तो परम धाम जाएंगे इन्हें स्वयं की भी पहचान हो अपने धाम की भी पहचान हो परमात्मा की भी पहचान हो ऐसा मैं किसी भी तरह से कार्य करूं ऐसा भाव रख करके सेवा कांजी भाई करने लग गए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की तो आगे कहते हैं नित तरकारी लिया वहीं शोध के बागों से तब राजी होवे कांजी पर कहो श्यावास मह अब यहाँ कहते हैं देखिए नित तरकारी अब सेवा की बात आई ना प्रतिदिन सेवा करने लगे कांजी भाई किस तरह से इनका स्वास्थ्य अच्छा हो ये तंदुरुस्त बने इनका शरीर ठीक हो इस भाव से अब क्या करने लगे नित्य प्रति तरकारी आ वही तरकारी साग सब्जियां हरी हरी साग सब्जियां कहाँ से मिलती है अच्छी अच्छी साग सब्जियां अच्छी अच्छी तरकारी और ढूंढ ढूंढ करके सोद के बागों से बस सब्जी खेतों से बागों से बगीचा से जहाँ भी साग सब्जियाँ अच्छी तरह से मिलती है तो सोध के मतलब ढूंढ ढूंढ करके खोज खोज करके वो लाने लगे और खूब उन्हें अच्छी तरह से खिलाया पिलाया खूब अच्छी तरह से सेवा की तब राजी हो कांजी पर तब हरिदास जी हरिजी व्यास राजी हो गए मतलब प्रसन्न हो गए खुश हो गए आनंदित हो गए कांजी भाई के प्रति और कहा कहूँ श्यावास मैं मैं तुम्हें श्यावासी देता हूँ धन्यवाद देता हूँ हे कांजी भाई तुमने जो मेरी सेवा की मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यदि तुम नहीं होते तो आज मैं नहीं होता ये जीवित रखने का काम मुझे स्वस्थ रखने का काम तुमने किया इतने भाव से अलग अलग स्थानों में जा जा करके साफ साग सब्जियाँ ढूंढ ढूंढ करके लाए बना करके मुझे खिलाया और मुझे स्वस्थ बनाया हे कांजी भाई तुम्हें बहुत बहुत मैं श्यावासी देता हूँ धन्यवाद देता हूँ आगे कहते हैं मांग जो कछु मांगना सो मैं देऊ तो को तेरा मुझे बहुत किया इन सेवा मो तो कहते हैं क्या कहा हे कांजी भाई कहते मांग जो कछु मांगना जो कुछ मांगना हो कुछ भी अपेक्षा हो कुछ चाहना हो तुम मुझे मांग सक मांग सकते हो मैं देने के लिए तैयार हूं क्योंकि आज मैं इतना खुश हूं इतना प्रसन्न हूं तो कहते मांग जो कछु मांगना सो मैं तो को तुम्हें मैं प्रदान करने वाला हूं जो जो कुछ भी मांगोगे जो अभिलाषा है वो मांग लो मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूँ ते राजी मुझे बहुत किया ते मतलब तुमने राजी मतलब खुशी मुझे बहुत किया मुझे बहुत खुश कर दिया बहुत आनंदित कर दिया मैं बहुत प्रसन्न हूँ इन सेवा के मो मतलब आपने जो सेवा की उसके द्वारा मैं बहुत खुश हो गया बहुत आनंदित हो गया और कहते हैं जो हजार रुपया दे वही मैं राजी ना तीन ऊपर तेरी तरकारी की सेवा से खुशहाल हुआ इन पर तो हरजी व्यास कहते कांजी भाई यदि कोई व्यक्ति आकर के मुझे अभी हजार रुपया प्रदान करें उस समय की बात है चार सौ वर्ष पहले की बात लगभग हजार रुपये बहुत होते हैं है ना उस समय के हजार रुपया अभी तो लगभग दस लाख से भी अधिक होगा इतना कीमत होता था तो कहते हैं कि जो हजार रुपया मुझे कोई भी प्रदान करे दक्षिणा स्वरूप मुझे हजार रुपया भी कोई दे तो कहते मैं राजी ना तीनों ऊपर रहा मैं इतना प्रसन्न नहीं हो सकता जितना प्रसन्न तुम्हारे ऊपर हूं तुमने तरकारी की सेवा करके साग सब्जी की सेवा करके मुझे खिला करके पिला करके जो मुझे आनंद दिया जो मुझे प्रसन्न कराया इतना प्रसन्न तो कोई मुझे हज़ार रुपया दक्षिणा में दे तो भी मैं होने वाला नहीं हूँ ऐसा मतलब कितने खुश हो गए ये कहने का मतलब है तेरी तरकारी की सेवा से खुशहाल हुआ इन पर तुमने जो साग सब्जियाँ जो ताज़ा ताज़ा इस तरह से साग सब्जी ढूंढ ढूंढ करके ऐसे आरुग्य युक्त सब्जियां ला करके मुझे खिलाया इससे मैं बड़ा प्रसन्न हो गया जो हज़ार रुपये कोई दे मुझे तो भी इतना प्रसन्न होने वाला नहीं मतलब इतना प्रसन्न कितने प्रसन्न तो यह एक माप की बात है तो एक भाव बताया कि इतना प्रसन्न ये हरिजी व्यास हो गए तब कहा कांजी ने मैं मांगूंगा आगे तुमसे तुम तो मोको दोगे जो है मेरे मन में तो कहते हैं कांजी भाई ने क्या कहा कि मैं मांगूंगा आगे तुमसे कि व्यास जी समय आने पर मैं अवश्य मांगूंगा भविष्य में अवश्य मांगूंगा तब मतलब कहा कांजी ने कांजी भाई ने कहा मैं मांगूंगा आगे तुमसे आगे मतलब भविष्य में समय आने पर उचित समय में मैं अवश्य आपसे कुछ मांगूंगा तुम तो मोको दोगे आप तो देने ही वाले हैं ना आप दाता हैं देने वाले हैं ये मुझे भरोसा है पूर्ण विश्वास है तुम तो मोको दोगे मुझे देने ही वाले हो जो है मेरे मन, मन अनुकूल आप अवश्य में व देने वाले हैं ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है यू करते नित्याने होए बहुत राजी तब कांजी से फेर कह तेरी कौन करो कारज साजी तो इस तरह से कई दिन बीत गए कांझी भाई पूरे सेवा में लगे हुए हैं उनका तो एक ही भाव है ये पूर्ण रूप से सोचता हो फिर जाकर के मैं कुछ मांगू क्या मांगू कि प्राणनाथ जी महाराज से इनका मिलाप करवा दूं और कुछ भाव नहीं है तो यहाँ कहते हैं कि यूं करते नित्या ने इस तरह से नित्य प्रति बहुत राजी आप और खुश करा रहे हैं से तब कांजी से फिर कह फिर समय आने पर एक बार हरिजी व्यास ने फिर कहा हे hey कांजी तेरी कौन करो कारज साजी देखो कारज साजी मतलब इसका सीधा सीधा अर्थ तो यह होता है कि काम को बनाने वाले संवारने वाले तो अब यह क्या अर्थ हुआ तो कहते हैं तुमने मुझे संवारा है तुमने बिगड़ा हुआ काम को भी संवार दिया है मतलब मैं तो मरने वाला था मैं मर ही गया था अब तुमने मुझे संवार लिया ये बिगड़ा हुआ काम तुमने ऐसा सही किया तो इसके बदले में तुम्हें अब मैं क्या दूं क्या उपहार दूं क्या पारितोषिक दूं क्या प्रदान करूं, तेरी कौन करो किस प्रकार से कैसे किस तरह से कौन मतलब किस तरह से करो मैं तुम्हें खुश करूं, तुम्हें क्या प्रदान करूं, क्या पारितोषिक दो, किस तरह से पुरस्कृत करूं, यह है यह भाव है तो क्या कहते हैं तब कांजी बोलिया मैं मांगत हूं एक वस्त्र एक साधु को सुनाओ चर्चा यही पांव मैं कस्त तो कहते हैं इतने कहने के बार 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 अब हरिजी व्यास कह रहे हैं कि मुझे देने का मन हो रहा है तुमने इतना मुझे दिया मेरा जीवन तुमने बचाया बिगड़ा हुआ काम सही किया अब इसके बदले में कुछ तुम्हें मुझे देने का मन हो रहा है कुछ पुरस्कृत करने का कुछ प्रदान करने का मेरा मन हो रहा है तुम मांगो तो इस तरह से बार बार कहने पर जब कांजी भाई को लगा कि हाँ व्यास जी पूर्ण रूप से स्वस्थ है अब कहने में कोई बाधा अड़चन नहीं है ऐसा जब कांजी भाई को लगा तब तब कांजी बोलिया मैं माँगत तो हूँ एक वस्त है सेठ जी हे व्यास जी तो मैं माँगत तो हूँ एक वस्त एक वस्तु मैं एक चीज आपसे मांगूंगा एक वस्तु में मांगना चाहता हूं क्या एक साधु को सुनाओ चर्चा इस नगर में एक साधु पधारे हैं एक महात्मा पधारे हैं हमने सुना है कि वे बड़े पहुंचे हुए ज्ञानी महात्मा हैं ऐसे वो महात्मा कई परदेश से यहां पर पधारे हुए हैं तो मैं चाहता हूं आप अपनी ज्ञान चर्चा उनसे करें तो यह कहते हैं एक साधु को सुनाओ चर्चा आप आध्यात्मिक चर्चा शास्त्र की चर्चा धार्मिक चर्चा उन साधु उन महात्मा को सुनाएं यही पाऊं मैं कष्ट अब यहाँ कहते हैं देखो मैं कष्ट नहीं है यही पाऊँ मैं यहाँ अटकना चाहिए मैं यही पाना चाहता हूँ और एक कष्ट किसी लिए कि आप एक कष्ट का मतलब कष्ट पीड़ा दुख तो ये हम बोलते हैं ना कि किसी को हम काम लगाते हैं तो बोलते हैं ना आपको मैंने बहुत कष्ट दिया आपको बहुत दुख दिया ऐसा बोलते हैं ना तो यहाँ कांजी भाई का कहने का मतलब कि व्यास जी आप इतना दुख उठा लीजिए मैं इतना ही चाहता हूँ क्या कि कोई साधु आए हैं कोई महात्मा आए हैं उनसे आप ज्ञान चर्चा कीजिए ऐसा मेरा भाव है इतना ही मैं आपको दुख देना चाहता हूँ ये कष्ट का मतलब उस रूप में है तो आपको इस तरह से आ, मेरे लिए इतना आप कष्ट उठाइए इतना दुख कर लीजिए दुख उठा लीजिए ये भाव है तो ये सुन के श्यावास कांजी तुझको क्या ते माँ गया मुझसे एक तो राजी किया सेवा मैंने फिर चर्चा सुनान सुनावने को तो कहते हैं इतना जो कांजी भाई ने कहा तो क्या कहा कांजी भाई ने एक साधु से आप चर्चा कर लीजिए और कुछ नहीं मांगा ऐसा ऐसी मांग को सुन करके हरजी व्यास बड़े प्रसन्न हो गया कहते हैं श्यावास कांजी तुमको तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद बहुत श्यावास में प्रदान करता हूं क्यों क्या ते मांग गया मुंश्य अरे तुमने क्या मांगी या क्या मतलब यह अर्थ में तुमने कितनी ऊंची बात मांग ली तुम्हारा विचार कितना ऊंचा है तुम्हारी सोच कितनी ऊंची है ये भाव में है क्या ते माँगिया मुझसे तुमने क्या मांग ली क्या कि एक तो राजी किया सेवा मैंने एक तो मुझे मेरी सेवा कर करके मुझे प्रसन्न किया मुझे आनंदित किया स्वस्थ किया तंदुरुस्ती प्रदान की तुमने मेरा जीव बचाया और क्या कहते हैं फिर चर्चा सुना होने को और मांगा भी तो क्या मांगा चर्चा सुनाने की बात मांग ली अब यहां कहते हैं कि फिर चर्चा सुना होने को मतलब उन्हें क्यों खुशी हो गई क्योंकि ये ज्ञानी थे इतने विद्वान थे पंडित पांडित्य थे पांडित्य थी इनमें तो वो आध्यात्मिक अनुरागी थे उनका तो काम ही यही था जब ऐसे ज्ञानी मिले तो उनको तो बड़ा आनंद आता था ज्ञान चर्चा करने में और मांग करके क्या मांगा और आनंद देने की बात तुमने मांग ली मैं तो वैसे ही इस तरह से चिंतन भी करता हूं तो मुझे आनंद आता है और ऐसे महात्मा मिले और उनसे ऐसे ज्ञानियों के साथ में चर्चा करने का अवसर मिले तो और कितना आनंद मिलता है तो तुमने मांगा भी तो क्या मांगा कि मुझे ही आनंद करने की बात तुमने सोच ली ये भाव है कि फिर चर्चा सुनाने को एक तो मुझे प्रसन्न किया सेवा से दूसरा और आनंद देने की बात कर रहे हो ज्ञान चर्चा सुना करके उनसे महात्मा से मिल के ज्ञान चर्चा करने की बात तुमने मांगी मैं बड़ा खुश हो गया बुलाओ साधु वे कहाँ हैं मैं चर्चा सुनाऊ ताए मैं तो बहुत राजी भया जो कोई ऐसा आहार पहुँचाए तो कहते हैं कि हे कांजी भाई बुलाओ साधु वे कहां है? बस बुला लो वो साधु कहां है किन किसकी बात कर रहे हो किनकी चर्चा कर रहे हो ऐसे महात्मा जो आए हैं उनको बुला लो बुलाओ वो साधु कहाँ है मैं चर्चा सुनाऊं ताए उन्हें मैं चर्चा सुनाना चाहता हूँ जो तुम्हारी मनोकामना है ना तो उस अनुरूप मैं उन्हें चर्चा सुनाने वाला हूँ अब शास्त्रों का शास्त्रों की चर्चा ज्ञान चर्चा मैं सुनाने वाला हूँ मैं तो बहुत राजी भया मैं तो बहुत खुश हो गया बहुत आनंदित हो गया जो कोई ऐसा आहार पहुंचाए देखो यह आहार क्या है आध्यात्मिक आहार आत्मा का आहार तुमने अब मुझे प्रदान किया अभी तक तो अभी तक तो तुमने शरीर के लिए आहार दिया था और तुम्हें आत्मा तुमने आत्मा के लिए भी आहार देने का सोचा और ऐसे महात्मा आए और उनसे ज्ञान चर्चा हो तो आत्मा पुष्ट हो जाएगी आत्मा को और आनंद मिलेगा आत्मा को आहार मिल जाएगा यह जो कोई ऐसा आहार पहुंचाए, कोई भी इस तरह से आध्यात्मिक चर्चा का अवसर प्रदान करने की बात है अवसर कोई प्रदान करता है तो उसके ऊपर तो मैं बहुत राजी हो जाऊँगा बहुत खुश मुझे खुशी मिलती है बहुत प्रसन्नता होती है तब कांजी ने श्रीजी सो कर दिया मिलाप मिलते ही सुख पाइया करने चर्चा लगे आप अब यह कहते हैं जब उनकी रजामंदी हो गई हरजी व्यास ने कहा उन साधु को बुला लिया जाए हम चर्चा करना चाहते हैं तब तब कांजी ने श्रीजी से कर दिया मिलाप श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने स्थान में रुके हुए थे जब प्राणनाथ जी ने कहा था जब स्वस्थ होंगे तब तुम बोलोगे तो मैं अवश्य अवश्य मिलूँगा तो जैसे हर जी व्यास ने कहा कि उन्हें बुला लिया जाए तो तुरंत कांजी भया करके प्राणनाथ जी से मिलते हैं सारी चर्चा करते हैं और साथ में लेकर के जाते हैं और दोनों का मिलाप यहाँ कर देते हैं कर दिया मिलाप मिलते ही सुख पाइया देखो मिलते ही सुख पाइया दोनों ज्ञानी है और ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो क्या बोलते हैं ज्ञान की लूटा लूट और गधे से गधा मिले तो अब दोनों ज्ञानी यहां मिल गए प्राणनाथ जी महाराज और हरिजी व्यास तो इसीलिए कहा मिलते ही सुख पाइया सज्जन तो से सज्जन मिलते हैं तो सुख होता है और दुर्जन से दुर्जन मिलते तो वहाँ पर अंदर ही अंदर जलने लग जाते हैं दुखी होने लग जाते हैं इसलिए यह कहा मिलते ही सुख पाया दोनों ज्ञानी हैं सज्जन हैं, संत हैं, साधु महात्मा हैं इसलिए बड़े सुखी हो गए आनंदित हो गए करने चर्चा लगे आ बस अब दोनों चर्चा यहाँ पर करने लग गए अब यहाँ कहते हैं अब कुछ औपचारिक चर्चा हो गई प्रथम औपचारिक चर्चा यहां कुशल मंगल पूछने की बात हो गई और यहां कहते हैं पूछी खबर उन इनको उन मतलब हरिजी व्यास ने इनको मतलब श्री प्राणनाथ जी को खबर पूछी कुशल मंगल पूछी देखो अब यहां उन इनको क्यों कहा कि लालदास जी महाराज लिख रहे हैं इसीलिए अब ये हरजी व्यास थर्ड पर्सन हो गए है ना प्राणनाथ जी महाराज तो उनके पास में समीप में है उन, उनके नजीक में है ये भाव है है ना जैसे बातचीत करते हैं तो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन होता है तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुनाता है तो किसकी बात तीसरे व्यक्ति को सुनाता है ना तो यहाँ कहते हैं प्राणनाथ जी महाराज को अपने नजीक रख रहे हैं लालदास जी महाराज इसीलिए यहाँ कहें कहा कि पूछी खबर उन उन्होंने थर्ड पर्सन वे हो गए ना उन्होंने किनको इनको तो प्राणनाथ जी को कुशल मंगल पूछा कहां बसो तुम साध हे महात्मा जी हे साधु तो आप कहां रहते हैं बसो मतलब कहां रहते हैं आपका निवास कहां पर है ऐसा पूछा कया हम तो हैं परदेश के सुनिया तुम्हारा मता अगा तो प्राणनासी महाराज ने क्या जवाब दिया कि हे व्यास जी हे पंडित जी कह हम तो हैं परदेश के बस हम तो परदेश से आए हैं देखो अब अभी के हिसाब से तो परदेश नहीं है जामनगर और जूनागढ़ एक ही देश है ना पहले ऐसा नहीं था ये अलग अलग राजा हुआ करते थे ये अलग राज्य था वो अलग राज्य था है ना तो इसीलिए यहाँ कहने का मतलब परदेश और गुजरात में तो अभी भी ऐसा है कि जैसे यहाँ गांव-गांव में जाते हैं तो कोई सूरत में हिरा के लिए गए हैं कोई अहमदाबाद की ओर कोई गए हैं कोई मुंबई की ओर गए हैं तो अभी भी जो पुराने लोग हैं बोलते हैं कि वो परदेश गया है ऐसा बोलते हैं तो सूरत से जैसे आते हैं तो गए थे गाँव गया है देश में गया है बोलते देश में गया है बोलते गाँव नहीं देश में बोलते हैं देखो अभी भी ऐसा सुनने को मिलता है तो अपने जो गाँव है उससे थोड़ा दूर यह भाव है और तब तो राजा ही अलग अलग हुआ करते थे तो फिर प्राणनाथ जी का कहना यहाँ सच है कि कया हम तो हैं परदेश के भाई हम ये जूनागढ़ के नहीं है हम प्रदेश के हैं कहां के हलार के हैं तो नवानगर के हैं ऐसा उन्होंने कहा सुनिया तुम्हारा मता अगाध हम किसी कारण किसी कार्य के लिए यहां आए थे तो सुनिया तुम्हारा मता मतलब बुद्धि तुम्हारी विद्योता यहां मता मतलब विद्योता बुद्धि ज्ञान अगाध मतलब बेशुमार जिसका कोई पार नहीं है बेसुमार बेहिसाब अपार विद्वता तुम्हारे विषय में मैंने सुनी मता मतलब विद्योता कहो बुद्धि कहो ज्ञान कहो या पांडित्य कहो आपकी पांडित्य की चर्चा मैंने खूब सुनी अगाध पांडित्य है आप में ऐसा मुझे सुनने को मिला तो कहते हैं जी महाराज ने इतना कहा तो ये सुनकर के मैं आपसे मिलने के लिए यहां आया हूं तो कांजी भाई इसके माध्यम बने ये सब चर्चा हो गई तो यहाँ कहते हैं भले साधु तुम आए मैं चर्चा सुनाऊँ तुमको जो चर्चा कहो सो करो तुम्हें राजी करो तीन सो तो हरजी तो व्यास क्या बोलने लगे कि भले साधु तुम आए अच्छा हुआ भले मतलब अच्छा हुआ अच्छा हुआ तुम आए यहां आप आए तो अच्छा लगा हमें मैं चर्चा सुनाऊं तुमको अब कांजी भाई की जो अभिलाषा है कि इनकी भावना है कि आपसे मैं कुछ कुछ धर्म चर्चा करूं, शास्त्र की चर्चा करूं। उस अनुरूप आप आपसे मैं अवश्य में वह चर्चा करूँगा आपको कुछ शास्त्र की बात सुनाऊँगा मैं चर्चा सुनाऊं तुमको जो चर्चा कहो सो करो आप कहिए आप क्या सुनना चाहते हैं कौन से ग्रंथ कौन सा शास्त्र कौन से पुराण की बात आप सुनना चाहते हैं आप कहिए आप जो कहते हैं मैं उस अनुरूप तुम्हें राजी करो तिन से जो भी कहो इसका मतलब कितने विद्वान थे ये समझने की बात है कोई साधारण विद्वान नहीं थे कि अपने हिसाब से चर्चा की ऐसी बात नहीं है उन्होंने ये पूछा कि आप कहो किस ग्रंथ से कौन से पुराण से किस शास्त्र से मैं चर्चा आपको सुनाऊं ये सुना कर के आपको प्रसन्न करूं मैं आपको आनंदित मैं करूंगा ऐसा बोलने वाला कोई साधारण विद्वान नहीं होता तो यहाँ कहते तुम्हें राजी करो तीन से उसी शास्त्र से जिस शास्त्र की आप बात करेंगे आप जिस शास्त्र को सुनना चाहते हैं बस वही सुना करके मैं आपको प्रसन्न करूंगा आपको राजी करूंगा ऐसा हरिजी व्यास ने प्राणनाथ जी महाराज को बोला तो फिर ठौर दई उतरने अपने बीच बाग में अब होने लगी चर्चा भागवत के वचनों से तो प्राणनाथ जी महाराज ने वहाँ कहा कि पंडित जी है व्यास जी बस और तो मुझे कोई शास्त्र पुराण सुनने की अभी इच्छा नहीं है बस आप भागवत से ही चर्चा करें मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुख से भागवत की कथा ही सुनना चाहता हूँ तब तो प्राणनाथ जी ने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है आप जैसा कहें तो ये चर्चा हो गई फिर उन्होंने कहा कि चर्चा कल से होगी तो आज सारा प्रश्न क्या करेंगे तो आप किसी स्थान में रुक जाइए तो उन्होंने अपने बगीचा में बगीचा में एक अच्छी जगह दे दी ठौर दई उतरने अपने बीच बाग में बगीचा में एक आ, कुटी थी तो वहाँ पर सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी तो क्यूं? क्यों क्योंकि हो सकता है कि घर में देखिए साधुओं को साधक को तो एकांत जगह ही पसंद है अब बगीचा में ये सुविधा थी होगी और ये भी हो सकता है कि देखिए आज के भी पंडित हैं ब्राह्मण हैं विशेष करके वो मांसाहारी होते हैं कथा चर्चा करते हैं व्यासपीठ में बैठ कर के लेकिन मांसाहार करते हैं ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं तो हो सकता है कि हरजी व्यास भी उसी प्रकार के आहार कुछ करते हों इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा हो कि हम यहाँ नहीं ठहरेंगे तो कहीं बाहर आप व्यवस्था कर दीजिए ये कहा हो स्पष्टीकरण नहीं है कुछ भी हो तो व्यवस्था उन्होंने बाग में बगीचा में प्राणनाथ जी महाराज को रुकने के लिए कर दी क्योंकि अब थोड़ी देर रुकना नहीं था कई दिन लगेंगे तो इसीलिए रुकने के लिए अपने बीच बाग में आवास की व्यवस्था कर दी रुकने की व्यवस्था कर दी अब होने लगी चर्चा भागवत के वचनों से बस जैसे प्राण नसी महाराज ने कहा भागवत की चर्चा भागवत ग्रंथ को एक माध्यम बना करके आधार बना करके अब चर्चा होने लगी तो सुनत मास एक हुआ दो राजी हुए मगन्ना एक दिन ठौर नारायण का ताके कहे ना तो सुनत मास एक हुआ प्राणस जी महाराज श्रोता के रूप में वहां श्रवण कर रहे हैं देखिए यह पहले ही कहा भले साधु तुम आए प्राणस जी महाराज को उनको हराने का कोई विचार नहीं था वहां शास्त्रार्थ करने के विचार से थोड़ी गए थे इसलिए तो प्राणनाथ जी कि आप चर्चा सुनाएं हम सुनना चाहते हैं जब ऐसा कुछ प्रसंग आए आएगा तो अवश्य में वह चर्चा करेंगे लेकिन प्राणनाथ जी महाराज का भाव था कि मैं प्रेम से चर्चा श्रवण करूं साधु इसलिए ही तो है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुहाए सुप मतलब क्या है कोई जानता है सुप नांगलो ગુજરાતી માં શું હે પેલા અનાજ આમ ભેંડવા માટે ને શું કરે એને શું કહે હે હે સુપડસ સુપડી અચ્છા હા એ સુપ હમ જે ઘઉં છે મકાઈ છે કોઈ પણ વસ્તુ છે એને સાફ કરવા માટે એટલે કે એ નેપાળી મે નાંગલો બોલતે ઠીક હે અબ ઇંગ્લિશ મે તો દેખો યે યે પ્રચલની નહીં થા તો ઇંગ્લિશ શબ્દ ક્યા હે ઉસકો મુજે ભી पता नहीं उस तो जैसे बम्बो बांस से बनाते हैं है ना देखो उसमें तो इंग्लिश में तो ऐसे तो बम्बो ट्रे बोलते हैं अब ट्रे तो सब में हो गया ना तो वो बांस का बनाते हैं अभी तो प्लास्टिक का भी बनाने लग गए तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुहाए तो साधु कैसे होना चाहिए साधु मतलब यहाँ सुंदर साथ भी साधु है जो साधना करते हैं सदमार्गों में चलते हैं आगे साधना करते हैं आध्यात्मिकता जिसमें है वो सब साधु है तो उनको कैसे होना चाहिए साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुहाय तो उसमें क्या करते हैं जैसे अनाज डालते हैं तो वो निफन्ना बोलते हैं ना हाँ ऊपर ऐसे 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 ऊपर वो छिटकते हैं तो उस समय क्या होता है जो थोथा है ना वो उड़ जाता है और अनाज अनाज उसमें रह जाता है तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुहाए सार को गही के सार को गही के थोथा दिए उड़ाए मतलब तो उसमें क्या होता है वो सुप में जो अनाज है उसी में रह जाता है और जो उसकी छाल है जो थोथा जो जो बिना काम का है ना जो उड़ जाता है बाहर निकल जाता है तो साधुओं को क्या करना चाहिए सार सार ग्रहण कर लेना चाहिए जिसमें भी जो भी अच्छाई दिखे ग्रहण कर लिया बुराई की तरफ ध्यान नहीं देना तो लेकिन हमारी वृत्ति कैसे है? बुराई देखे तो बस उसी में ध्यान जाता है बार बार उसी में किसी की बुराई हो तो चर्चा जोर से करते हैं प्रचार खूब कर लेते हैं लेकिन अच्छा ही दिखे तो मौन हो जाते अच्छा की चर्चा नहीं करते तो हम साधक नहीं होंगे फिर सुंदर साथ नहीं होंगे तो यहां प्राणनाथ जी महाराज बड़े प्रेम से सुन रहे और दूसरा होता है छलनी, छलनी। जिसको चालू बोलते हैं ना हाँ, चाइनी गुजराती में बोले आ, हिंदी में छलनी बोलते हैं नेपाली में उसको चालनू बोलते हैं चालनू में क्या चालते हैं जैसे आटा वगैरह है है ना वो क्या चालनी आटा को सब नीचे गिरा देता है और ऊपर जो बेकाम की चीज़ है वो अपने पास रख लेती है चालनी लेकिन जो काम की चीज़ है महत्वपूर्ण चीज़ है वो गिरा देती है तो हम सुंदर साथ को ऐसा नहीं होना है अपने पास सार ग्रहण करना है अच्छी चीज़ है किसी में देखा हाँ ये उसका गुण है बड़ा अच्छा है ये ग्रहण करने जैसा है कर लिया दूसरे में बुराई है तो क्या करना अब उसके ऊपर ध्यान दे करके बस आंख बंद करो निकल निकल जाओ अब सबको सुधार करके कहाँ होगा है ना हम सुधारने तो नहीं लगेंगे लेकिन बुराई हम व्याख्या करने लग जाएंगे मतलब बुरा ग्रहण करने लग जाएंगे किसी की बुराई बात करना मतलब क्या है इन्वेस्ट करना है ना जैसे हम अभी किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्ट करते हैं लगानी लगाते हैं ना तो ये किसी के विषय में चर्चा करना ये इन्वेस्ट करना हो गया तो अच्छी चर्चा करेंगे तो अच्छी बात की इन्वेस्ट हो गई तो बुरी चर्चा किसी की करेंगे तो बुरी बात की इन्वेस्ट हो गई अब इन्वेस्टमेंट जितनी जिस बात की करेंगे जितना करेंगे उतना ही तो हमें पीछे लाभ मिलेगा अब हमने एक लाख रुपया का कहीं इन्वेस्ट किया तो उसी हिसाब से हमें फ़ायदा मिलेगा है ना तो एक करोड़ को किया उसी हिसाब से हमें फ़ायदा मिलेगा और सौ रुपया किया तो उसी हिसाब से फ़ायदा मिलेगा तो बुराई हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बुराई मिलेगी अच्छाई करेंगे तो अच्छाई मिलेगी इसलिए साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुहाय सुप की तरह साधु को होना चाहिए सुंदर साथ को होना चाहिए कि सार सार ग्रही के मतलब सार सार ग्रहण करके थोथा दिए उड़ाए तो हमें छलनी नहीं होना है सुप होना है तो यह साधु इसीलिए कहा कि प्राणनाथ जी महाराज अब शास्त्र की जो बात है व्यक्ति जितने व्यस्त होते हैं ना जितने बड़े पोस्ट में पहुंचते हैं उतना ही अध्ययन कम होता है क्यों क्योंकि मौका नहीं मिलता है अध्ययन करने का पढ़ने का नया नया चीज शोध करने का समय नहीं मिलता तो प्राणनाथ जी महाराज ऐसे लोग जो ज्ञानी लोग मिले तो बड़े प्रेम से चर्चा श्रवण करने लग जाते हैं ये कितना सद्गुण है कितना बड़ा भाव है तो यहाँ कहते हैं एक महीने सुनते 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 एक महीना समय व्यतीत हो गया सुनत मास एक हुआ दो राजी हुए मगन न बस हरिजी व्यास भी चर्चा में मग्न है उनसे चर्चा सुन सुन करके प्राणनाथ जी महाराज भी बड़े खुश है आनंदित है एक दिन ठौर नारायण का ताके कहे वचन न तो एक दिन ये प्रसंग आया भागवत कथा श्रवण करते करते कि क्या प्रसंग आया एक दिन ठौर नारायण का भगवान नारायण के क्षेत्र नारायण का धाम उसके विषय में कुछ चर्चा आ गई ताके कहे वचन हरिजी व्यास ने भगवान नारायण के विषय में कुछ चर्चा करना प्रारंभ कर दिया तो क्या कहा तो कहते हैं एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार चौरासी लाख जोजन ताको करो विचार बस प्रसंग जब आया तब एक हीरे का मंदिर उन्होंने कहा कि देखिए एक बहुत विशाल क्षेत्र जो यहाँ कहते हैं कितने लाख चौरासी लाख जोजन जोजन मतलब यहाँ जोजन कहा योजन है जैसे अब पहले पहले क्या बोलते थे जसोदा बोलते थे है ना है क्या यशोदा है है ना यशोदा को जसोदा बोलते थे ना तो जमुना बोलते हैं वो है क्या यमुना लेकिन जमुना बोलना भी कोई गलत नहीं है पहले आ, वो वेद की भाषा में क्या वो य को ज ही प्रोनाउंसिएशन करते थे उच्चारण किया करते थे ज बूढ़ो जे हम पढ़ते थे है नो कख पढ़ते पढ़ते बूढ़ो जे डाड़ू ज बूढ़ो जे तो ऐसा पढ़ते थे तो प्रोनाउंसिएशन ऐसा है तो जोजन मतलब योजन चौरासी लाख योजन में विस्तृत एक हीरा का मंदिर है ये प्रसंग जब आया ताको करो विचार हे महात्मा जी उसके प्रति अब हम चर्चा करेंगे विचार करेंगे ऐसा करके जब आया अब ये विचार कल करेंगे आज नहीं करेंगे ऐसा हरिजी व्यास ने कहा होगा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की तो आज यहीं पर रखते हैं तो इसकी चर्चा कल करेंगे चालीस चौपाई तक तो एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार चौरासी लाख जो जन ताको करो विचार ताको करो विचार बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम